ड्रेस भी बहुत अज़ा अज़ा जो मैंने पहली बारी पहली बारी। हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम अपने एरिया में वापस आ चुके हैं। एंड आज का हमारा बहुत ज़्यादा स्पेशल हॉल होने वाला है, क्योंकि मैंने पहली बार आजियो से कुछ कपड़े खरीदे हैं। लाइक मिक्स हॉल होने वाला है ये। जैसे कि हमारे पास टॉप है, टी शर्ट्स है, एंड शर्ट भी है, कुर्तीज है, लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है, और एक दो कॉर्ड्स, एक कॉर्ड सेट भी है। ओके, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। और मैंने सारे ट्राई ऑन हॉल करके देख लिए थे, सारे के सारे एक नंबर हॉल होने वाला है। मतलब मन खुश हो जाएगा तुम्हारा आज का हॉल देख के, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और एक दो चीजें हैं जो मेरे को अच्छी नहीं लगी, बाकी मेजोरिटी में सारी चीजें मेरे को अच्छी लगी। तो द फर्स्ट आइटम वी हैव इज, जो मेरे को ओकेश लगा, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। सॉरी। सो द फर्स्ट आइटम वी हैव इज दिस ब्लैक टॉप, लाइक दिस। ये ब्लैक रिब्ड टॉप है और ये इसका पॉलिएस्टर का फैब्रिक है। एंड दिस इज द नेक लाइन। एक सेकेंड, ये स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट वाली नेक लाइन होती है, वो वाली नेक लाइन है। पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रहा था, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी, कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। ओके, सब कुछ, मतलब स्लीव्स भी इतनी छोटी वाली है, जो छोटी वाली स्लीव्स होती है। और 414 रुपीज़ इसका प्राइस था। बस फैब्रिक इसका पॉलिएस्टर है, तो हल्की सी गर्मी लगेगी। अगर आप एसी में बैठने वाले हो तो बिंदास होकर ले लेना। बिल्कुल भी क्रॉप नहीं है, मतलब नेवल तक आ रहा है, तो मैं उसको क्रॉप में कंसिडर नहीं करूंगी। इधर की तरफ ट्राई ऑन हॉल देख लेना, और सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, मैं वो भी डाल दूंगी। दिस इज द फर्स्ट आइटम, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड आइटम। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा प्यारी टी शर्ट होगी। ये हमारी दिस टी शर्ट, दिस इज द टी शर्ट, लाइक दिस। कॉटन का फैब्रिक है इसका। इधर की तरफ ट्राई ऑन हॉल देखना। 308 रुपये इसका प्राइस है, पर अभी ये आउट ऑफ स्टॉक है। जैसे ही स्टॉक में आएगी मेरे को एक बार ध्यान दिलवा देना, मैं तुरंत के तुरंत इसका लिंक आपको दे दूंगी। और काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही है, कॉटन का फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और एक बार धुलने के बाद ना थोड़ी सी हल्की सी और लूज ही हो जाएगी। और यार गर्मियों में टी शर्ट और शर्ट और लूज लूज कपड़े के अलावा कुछ भी पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो दिस इज द टी शर्ट। और प्रिंट भी काफ़ी अच्छा है। ये वो वाला एक प्रिंट पता है, ऐसे होते हैं जिसको जिसके आर पार ना हवा नहीं जाती, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ये वो वाला प्रिंट नहीं है, इसमें इजीली हवा चली जाएगी। अच्छा, अच्छी खासी टी शर्ट है, 308 रुपये में। तो बहुत ज़्यादा प्रिटी टी शर्ट लगी मेरे को, काफ़ी ज़्यादा पहनने के बाद भी प्रिटी लग रही थी। सो द थर्ड आइटम वी हैव इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट्स। ओके, सो इट इज दिस टी शर्ट, दिस इज द टी शर्ट। और ये ना वो वाला है, रस्टिक ऑरेंज वाला कलर होता है ना, वो वाला कलर है। और एक्स्ट्रा स्मॉल मैंने साइजेस लिए हैं सब। उस वाली टी शर्ट में भी एक्स्ट्रा स्मॉल था, इसमें भी एक्स्ट्रा स्मॉल है। और इसका प्राइस है 308 रुपये। अगेन 308 रुपये इसका प्राइस है। इसमें एक और कलर अवेलेबल है, ब्राउन, और कॉटन का फैब्रिक है, कॉटन का फैब्रिक है। एंड प्रिंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लाइक ये देखो प्रिंट ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मेरे को नहीं लग रहा है कि धुलने के बाद ख़राब होने वाला है। काफ़ी अच्छा प्रिंट लगा मेरे को इसका। एंड 4.1 स्टार की इसको रेटिंग दे रखी थी, और मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगी। पहनने के बाद भी काफ़ी अच्छी है, स्लीव्स भी अच्छी खासी यहाँ तक आ रही थी, लंबी बिल्कुल ही थी। ये ऐसा कलर है कि आपके ब्लैक जीन्स के साथ भी, वाइट जीन्स के साथ भी, ब्लू के साथ भी, किसी भी जीन्स के साथ आप इसको डाल सकते हो, आपको सोचना नहीं पड़ेगा इसको पहनने के बाद। मेरे को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगी। ओके, सो द फोर्थ आइटम ऑफ दिस हॉल इज दिस शर्ट। मेरे को देखना था कि एक बार एक दो बार शर्ट भी ले लेती हूँ, लेकिन यार 1200 की मेरे को भी लेनी नहीं थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बजट में रख के शर्ट देखी। सो ऐसा ऐसा नहीं लग रहा आपने, अगर लिनिन वाली फैब्रिक, लिनिन मेरे पास एक येलो कलर की लिनिन येलो कलर की लिनिन की शर्ट है। तो मतलब फैब्रिक तो वैसा नहीं है, कॉटन का फैब्रिक है, पर इसमें ना हल्के हल्के यहाँ पे ऐसे करके ये दिए हुए हैं, क्या बोलते हैं इनको, सितारे, पता नहीं है। ये इससे पूरे शर्ट पे ऐसे करके ये डिजाइनिंग दे रखी है। मतलब ओके, इसे इतनी ज्यादा बेकार नहीं लगी मेरे को। अगर ये ना होते ना तो मेरे को ज्यादा अच्छी लगती है शर्ट। इधर की तरह मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी क्या प्राइस था। और स्मॉल साइज लिया है मैंने, और फैब्रिक का वो फैब्रिक इसका कॉटन का है। एंड ये देख रहे हो आप इसके बटन्स, एक सेकेंड जूम करके दिखाते हैं।
मतलब गोल्ड के बटन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहे हैं देखो। और इसका प्राइस अप्रोक्स 500 के, 500-600 के अंडर अंडर ये शर्ट है, तो देख सकते हो अगर लेनी है तो। नेक्स्ट आइटम वी हैव इज अगेन अ कुर्ती और टॉप, जो भी आप इसको कहना चाहो। दिस इज इट, वी नेक लाइन है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यहाँ पे प्रिंट बना हुआ है ब्लू एंड येलो का, और नीचे पूरे पे ऐसे करके डिजाइन है। काफ़ी ज़्यादा घेरा सा है इसका और अच्छी लग रही थी। एंड यहाँ पे स्लीव्स इसकी ऐसी है बलून टाइप की। 961 इसका प्राइस था, साइज मैंने मीडियम लिया है इसमें, एंड कॉटन का फैब्रिक है जो खादी वाला कॉटन होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सॉफ्ट लग रहा था बॉडी पे पहनने के बाद। और इसकी जो प्रिंट है ना, लाइक येलो एंड ये ब्लू एंड येलो, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है पहनने के बाद। इधर की तरफ देखना, मतलब मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, आराम से इसको पहन के जा सकते हो कहीं पे भी, किसी भी फेस्टिवल में, कॉलेज में, ऑफिस में, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगेगी है। तो दिस इज़ द कुर्ती। कौन सी आइटम है ये हमारा, एक सेकेंड, हमारे 1 2 3 4 अभी 5 आइटम हमारे बचे हैं, तो ये हमारा ऑल 5th आइटम होगा। ओके, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी थी, देखना इधर। नेक्स्ट आइटम ऑफ दिस हॉल इज माई फेवरेट। ओके, मुझे बहुत 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 प्रिटी लगी, बहुत ही ज़्यादा वो था ये कुर्ती। लाइक वाइट है, बेसिक प्लेन वाइट चिकनकारी कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती ऐसे है। और जो मेरे को सबसे ज़्यादा यूनिक लगा ना, मतलब जो मेरे को अच्छा लगा वो था कि इसकी बैक पे भी ना, लाइक पूरे पे इसकी कढ़ाई कर रखी है, चिकन वर्क कर रखा है। यहाँ पे देखो पूरे पे चिकन वर्क है, ऐसे नहीं कि आगे आगे से कर रखा है, पीछे से नहीं कर रखा है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का चिकन वर्क है, ट्रस्ट मी। और ये देखो हैंडमेड वाला चिकन वर्क कर रखा है। और इसका प्राइस था हमारा 102, थोड़ी सी महंगी है, 1027 रुपीज़ की है, थोड़ी सी महंगी है, स्मॉल साइज लिया है, कॉटन का फैब्रिक है, पर पहनने के बाद देखो बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही थी। फुल लेंथ की इसकी स्लीव्स है यहाँ पे, यहाँ तक की, और यहाँ पे देखना तो हल्की सी ट्रांसपेरेंट है, तो कुछ पहनने की जरूरत पड़ेगी, अगर ना भी पहनना चाहो तो कोई फर्क नहीं। काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ट्रांसलूसेंट सी प्रिटी लग रही थी, इन द सेंस लाइक मेरे को, मतलब बहुत ज़्यादा स्टनिंग लगी। दिस इज़ द कुर्ती, एंड आँख बंद करके ले लो अगर आपको चिकनकारी वाइट कुर्ती ढूंढ रहे हो, तो दिस इज़ द वन यू गो फॉर, मतलब स्टनिंग, वेरी स्टनिंग। अभी हमारे पास 4 आइटम बचे हैं, अब हम थोड़ा सा लॉन्ग कुर्ते की तरफ आ जाते हैं, लॉन्ग कुर्ते के बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज़ द 7th आइटम, सो दिस इज़ द कुर्ता। मुझे पता है तुम सबको ये पर्पल कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, सो दिस इज़, और मेरे को भी मतलब अच्छा लगा ये वाला। वी नेक लाइन है एंड फुल लेंथ कुर्ता है, जो लॉन्ग वाला होता है ना ऐसे करके, ये है। एंड इसकी स्लीव 3/4 की है, काफ़ी प्रिटी लग रही थी। एंड इसका ना प्रिंट देखो, और कम से कम 10-20 बार तो इसको पहन ही लोगे, इतना ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है, गर्मियों के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रिटी। और मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज लिया, अगर स्मॉल हो तो उसकी तरफ जाना, थोड़ा सा लूज लूज ये अच्छे लगते हैं ये कुर्ते, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है देखो। और इसका प्राइस था हमारा 492, स्मॉल साइज, कॉटन का फैब्रिक है, मतलब मेरे को अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब हम आ जाते हैं ड्रेस की तरफ, इनके छोड़ के ड्रेस की तरफ आ जाते हैं। जो मैंने पहले ही ड्रेस पहनी ना, लाइक दिस इज़ द ड्रेस, अभी आपको समझ ही नहीं आएगा मैं जैसे दिखा रही हूँ ना, आपको ड्रेस ऐसे लग रही है, हाँ भाई ठीक है, क्या है इसमें, कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं, पर ये देखो पहन ली। इसके ना बैक पे ऐसे बांधने के बाद काफ़ी प्रिटी बैक लग रही थी, बैक लगेगी, मैं इधर की तरफ डाल दूंगी। और इसका प्राइस था हमारा रेड वाइट शॉर्ट ड्रेस का 542 रुपीज़ इसका प्राइस था, स्मॉल साइज है, क्रेप का फैब्रिक है। अगर आपने ये बहुत अच्छे से स्टाइल कर लिया ना, लाइक जैसे मैंने इस पे वो वाली एक हील्स डाली है, वो देखना, मतलब मेरे को तो इतनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही थी, बस एक बैग लेना था, और भाई ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी आउटफिट हो जाता है ना, काफ़ी ज़्यादा वैसी लग रही थी। तो अगर आप देख रहे हो तो 542 के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा प्राइस है, लाइक सच्ची में काफ़ी अच्छा है। और मतलब हल्की सी नहीं, क्या ये देखना इसका, ये जो शोल्डर है ना, ये वाले जो शोल्डर्स हैं, ये ना यहाँ पे रफल से बन के काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे। तो
कंसीडर कर, बर्थडे ड्रेस भी काफी ज्यादा इजीली बन जाएगी, तो ओके मेरी तरफ से थम्स अप है, काफी अच्छी लगी मेरे को ये ड्रेस। सो द कौन सा आइटम है अभी, ये हमारा नाइन्थ आइटम, नाइन्थ आइटम वी हैव इज दिस ड्रेस। अगर आप परफेक्ट वर्ड सुनाए ना, ये ड्रेस वो है, जस्ट दिस इज द ड्रेस। वन सेकेंड, लाइक दिस। तुमने इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा टॉप, इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा टॉप क्या होता है, इतने सारे टॉप्स इस वाले नेकलाइन में देखेंगे ना, मतलब काफ़ी प्रिटी लगता है और काफ़ी अच्छी लेंथ है, नीचे थोड़ी सी लॉन्ग लेंथ है तो काफ़ी परफेक्टली फिट आ रही थी। मैंने जो हील्स मैंने उस वाली शॉर्ट ड्रेस के ऊपर डाली थी वही इसके ऊपर डाली थी, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था दोनों का कॉम्बिनेशन। और इजीली अभी अगेन बर्थडे ड्रेस बन जाएगी, आराम से गोवा पे जाओ कहीं पे भी घूमने जा रहे हो तो पहन सकते हो इसको। एंड इसका प्राइस था हमारा 630, और जॉर्जेट का फैब्रिक है, शायद बस यही इसका डाउन साइड है कि जॉर्जेट का फैब्रिक है। बाकी ड्रेस ना कॉटन में अच्छी नहीं लगती, मतलब सच्ची में कॉटन में इतनी ज़्यादा ड्रेस अच्छी नहीं लगती, वो थोड़ी मॉडेस्ट हो जाती हैं एक टाइप पे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बर्थडे ड्रेस या फिर ऐसी कुछ प्यारी सी ड्रेस ढूंढ रहे हो तो जस्ट एक बार देख लेना। इसका ब्लू वाला कलर तो आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया था, तो फिर मैंने ये वाला लिया और मेरे को काफ़ी प्रिटी लगा, लाइक वेरी 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 प्रिटी। एंड द लास्ट आइटम ऑफ दिस हॉल इज वॉट आई एम वेयरिंग, दिस इज द कोट सेट। ठीक है, मतलब इस ये इसका टॉप है एंड इसकी पैंट्स भी इसी सेम कलर में है, और दिस इज़ द नेकलाइन, काफ़ी ज़्यादा फ्लोई है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है, इसीलिए मैं इसको पहन के बैठी हुई हूँ। एंड कॉटन का फैब्रिक है, एंड इसका प्राइस था हमारा 876 रुपीज़। स्मॉल साइज़ है, अगर आप कुछ लेना चाह रहे हो ना, लाइक काफ्तान जैसे, काफ्तान वाला स्टाइल है, ऐसे करके इसको टाई कर लो, उसे घूमो भाई। इतने ज़्यादा मॉडेस्ट वाला जो होता है ना कोऑर्ड सेट, वो ये वाला लगा मेरे, काफ़ी बहुत बहुत अच्छा लगा, तुम इसे आँख बंद करके ले सकते हो। और मैंने प्राइस बताई दिया 630, वो 876 का प्राइस है, स्मॉल साइज है, कॉटन का फैब्रिक है, लड़कियों ने पहन पहन के फोटोज डाल रखी हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रही थी, और तुम ये देख रहे हो मेरे ऊपर कलर कितना ज़्यादा प्रीटी लग रहा है ये वाला। तो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड मैं आपको एक अपडेट देना चाहती हूँ कि संडे को एक स्पेशल वीडियो आएगी तो वो देख लेना, एंड जो भी अभी दो मैंने मिस कर दिया सब, उन सब के लिए सॉरी। और अगर मैं आपको बताऊँ कि मेरे को सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा इस हॉल में से, लाइक दिस, आँख बंद करके तुम इसको ले लो, मेरे कहने पे बिल्कुल ना गर्मी लगेगी ना कुछ लगेगी, आराम से सोते टाइम कुछ भी करते टाइम तुम इसको पहन के घूम सकते हो। अगर तुम एक कोई मतलब ड्रेस ढूंढ रहे हो बहुत प्रिटी सी, इन दोनों में से कोई सी भी ड्रेस ले लें, ठीक, ये भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट और मतलब इस प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा प्रिटी ड्रेस है ना। और इन कुर्तियों में, ये दोनों कुर्ती में से कोई सी भी ले लेना, लाइक इसको तो थोड़ा सा ले ही लेना क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और टी शर्ट मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी दोनों की दोनों ही। तो नाउ अब इसे वीडियो को एंड करते हैं, और आपको कोई भी सजेशन हो तो वो मेरे को डाल देना, और जैसे हम वापस से हम अपने एरिया में आ गए हैं तो ये भी करके बता देना कि यहाँ पे वीडियो कैसी लग रही है और वहाँ पे वीडियो कैसी लगती थी। तो अब बकवास को बंद करते हैं, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और संडे का इंतजार करना। बाय गाइज, आई लव यू, बाय।